हर मेरी विधानसभा हर घर भगवा घर घर भगवा ये कार्यक्रम हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरे देवास विधानसभा में हर घर हर दुकान हर इमारत पर भगवा ध्वज लगाने का संकल्प हम लोग संकल्प लिया है और इसका कार्यक्रम हम 16 तारीख से कल से चालू करने वाले हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि 22 तारीख को होने वाले अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा जिसके अंतर्गत राम भगवान विराजमान होने वाले हैं अयोध्या के मंदिर में, उससे पहले 22 से पहले पूरे देवास को हमें भगवामय करना है। भगवामय करना है इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हर एक इमारत पर हर एक घर पर हर एक दुकान पे हमें भगवा झंडा लहराना है, भगवा ध्वज स्थापित करना है। इसके लिए 16 तारीख से मैं मेरी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग निकलेंगे और रोज के 4 से 6 घंटे हम लोग एक एक एरिया एक एक सेक्टर को कवर करते हुए 16 से लेके 21 तारीख तक हम लोगों ने प्रयास करा है कि पूरी देवास विधानसभा को कवर करेंगे। हर घर जाएंगे, वहाँ भगवे झंडे का वितरण करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि उसे वो अपने घर के ऊपर स्थापित करें। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ बड़े बड़े चौराहे बड़े बड़े पॉइंट ऐसे भी चिन्हित करे हैं जहाँ पे परमानेंट भगवे ध्वज को स्थापित करने का काम किया जाएगा। भगवे ध्वज को स्थापित करके ध्वज पूजा करके उस कार्यक्रम को भी हम अलग अलग पॉइंट पे पूरे देवास में उसका क्रियान्वयन करने वाले हैं। ये कार्यक्रम 16 तारीख से चालू होगा। आज आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा देवास के सभी लोगों से कि इस कार्यक्रम में शामिल हो, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सब लोग अपना योगदान दें, यही सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा। 51,000 झंडे पूरे के पूरे देवास में हमें 22 तारीख से पहले लगाना है। 22 तारीख को होने वाले जो ये कार्यक्रम है, लोग इसे दिवाली से कंपेयर कर रहे हैं, इसे दिवाली के समान रख रहे हैं, लेकिन मैं देवास से निवेदन करना चाहूँगा, दिवाली तो हर वर्ष आती है, ये कहीं ना कहीं बहुत पीढ़ियों के बाद में बहुत समय के बाद एक इस प्रकार का कार्यक्रम देवास को पूरे देश को पूरे हिंदू संप्रदाय को देखने का अवसर मिल रहा है जो कि शायद हमारी आगे की पीढ़ियां भी नहीं इसे देख सके। तो इस कार्यक्रम को हमें बहुत गंभीरता से लेना है, इस उत्सव को उस उत्सव में हमें परिवार के हर सदस्य की भागीदारी पूर्ण रूप से करनी है, यही मैं पूरे देवास को निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारी तरफ से अगर आपकी बात हमारी बात पहुंचे कि भगवा ध्वज हम बांट रहे हैं, भगवा ध्वज अवेलेबल है, जो चाहेंगे वो इसको उपलब्ध करा सकते हैं। हम लोग ध्वज में यानी जो डंडी होती है वो भी डाल के और रेडी दे रहे हैं, मार्केट में निकलेंगे, ये युवाओं की टोली पूरी निकलेगी, इतना सब पैदल चलना मेरे बस में नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ शामिल होंगी, जहां जितनी यथाशक्ति है उतना मैं कर पाऊंगी, पर महाराज के नेतृत्व में पूरे ये युवा लड़के हैं सभी, इन लोगों ने जो संकल्प लिया है ये जाएंगे, सबको एक एक झंडा देंगे, निवेदन करेंगे कि अपने घर पे लगाएं, सब अपनी इच्छा शक्ति के साथ उसे अपने घर पे लगाएंगे। और एक और आग्रह करना चाहेंगे, सभी ने वैसे किया है अपने अपने क्षेत्र में, देवास में मैं आग्रह करना चाहती हूँ 22 तारीख को 8 बजे सभी यथाशक्ति से यथा भावना से 5 दिए हों, 50 दिए हों, 5,000 दिए हों, आप जितना लगाना चाहें अपने घर पे दिए लगाएं, भगवान राम प्रभु श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान होने की खुशी हम देवास में भी मनाना चाहते हैं। आतिशबाजी का भी कार्यक्रम होगा, उधर प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, हम दिए लगाएंगे, दीपक लगाएंगे, उत्सव मनाएंगे देवास में, आतिशबाजी करेंगे, और आपके इन भगवा ध्वज बांटने का जो समापन है वो सुदर्शन कहाँ कर रहे हो?
अच्छा वो तय करके सोशल मीडिया पे हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, तो वहां पर जहां पर भी समापन होगा वहां पे भी इन लोगों का आतिशबाजी और उसके साथ एक बढ़िया सा कार्यक्रम करेंगे। उत्साह मनाना है सभी को, जैसा समझ में आए जितना एनर्जी डाल सके आप डालें, और इस आयोजन को भव्य आयोजन बनाना है, देवास को भगवामय करना है। इसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग की अपेक्षा करने के लिए मेयर महाराज आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, महापौर प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, दुर्गेश भैया, हमारे सब पार्षदगण यहाँ पे उपस्थित हैं, इन सब लोगों से बात हुई है हमारी, और हर वार्ड में भी, देवास में आपने देखा होगा, देवास की एक प्रथा रही है, रियासत कालीन समय से देवास की प्रथा रही है, कभी कोई महत्वपूर्ण दिन हुआ है या महत्वपूर्ण अतिथि देवास में आए हैं तो यहाँ के राजघराने ने हमेशा से गेट बनाए हैं उनके, उसमें आपने देखा है मीना बाजार जो पुराना था वहां पे शाहू महाराज के लिए गेट बना है, सयाजी द्वार सयाजी महाराज बड़ौदा महाराज के लिए बना है, लाल गेट जो है वो सिंधिया महाराज जिवाजीराव सिंधिया जब आए थे उनके लिए बना है। ऐसे गेट बनाने की प्रथा देवास की रही है, तो हमने एक और संकल्प किया नगर निगम के साथ मिलकर, महापौर सभापति और सभी पार्षदों के साथ मिलकर, कि हर वार्ड में भी एक राम द्वार बनेगा, जिसमें भगवान की आस्था के साथ ही इस दिन को हम चिन्हित करके 22 तारीख का महत्व मानते हुए हर वार्ड में उस राम द्वार को एक सांकेतिक रूप का द्वार बनेगा, सभी लोगों से बातचीत करके, उस वार्ड के लोगों से बातचीत, अब ये महापौर सभापति और पार्षद लोग अपनी वहां के लोगों से वो करके सभी की मंशा स्वरूप जगह चुनकर उस वार्ड में एक एक द्वार बनेगा।